प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को ऐसा कहा कि नूह, तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना, क्योंकि मैं इस संसार का नाश करने वाला हूँ, और तू अपने बचाव के लिए एक जहाज बना ले। हमारा परमेश्वर सर्वशक्ति माने, क्या नूह को बिना जहाज नहीं बचा सकते थे? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि परमेश्वर नूह को बिना जहाज ही बचा ले? वो तो सर्वशक्ति माने। उस जहाज के पीछे ऐसी कौन सी बात है, कौन सा राज है जो परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू जहाज बना? क्या है जहाज का राज, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब इसराइल के लोग मिस्र से आज़ाद होकर निकले थे और परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि सभी को समुद्र के रास्ते पर ले जाओ, और सभी लोग समुद्र के रास्ते पर चले गए, और पीछे से फिरौन उसकी सेना लेकर आया, और सभी इसराइल लोग डर गए, और सभी लोग डर के मारे मूसा से बोलने लगे अब क्या होगा। लेकिन मूसा ने उनको ऐसा कहा कि डरो मत, शांत रहो, चुपचाप रहो, और परमेश्वर आज किस तरह से आपको बचाते उस बचाव को देखो। और फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा तू इस समुद्र के दो हिस्से कर दे, और मूसा ने परमेश्वर के कहने के अनुसार समुद्र के दो हिस्से कर दिए, और जो पानी था वो दीवार के समान थम गया, दीवार के समान। अभी पानी की दीवार कभी होती नहीं, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने पानी की दीवार बना दी। तो क्या जब परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह मैं इस धरती का पानी से, जल प्रलय से मैं नाश करने वाला हूँ और पूरी धरती डूबने वाली है, तो क्या जहाँ पर नूह रहते थे उस सारी जगह के चार वर्ग परमेश्वर उस पानी जो था, जल प्रलय का जो पानी था जो आने वाला था, क्या उसकी दीवार नहीं बना सकते थे? और उसकी दीवार बनाकर क्या परमेश्वर सारे पशु पंछी और नूह को नहीं बचा सकते थे? परमेश्वर तो सर्वशक्ति माने, क्या वो ऐसा कर सकते थे? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? अगर परमेश्वर ने इस तरह से काम किया होता तो नूह को जहाज बनाने की मेहनत ना करने पड़ती। पता है नूह को 100 साल लग गए जहाज बनाते बनाते, ये मेहनत नूह को ना करनी पड़ती। अगर नूह जहाज नहीं बनाते तो क्या वो बच नहीं सकते थे? चलो ये बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश करने चाहा था, तब परमेश्वर वहाँ पर गए और लूत के घर में वो ठहरे थे, और परमेश्वर ने लूत को, उसकी पत्नी को और दोनों बेटियों को उनका हाथ पकड़कर सदोम और अमोरा से बाहर निकाल दिए और बोला पीछे मुड़कर भी मत देखना। लेकिन क्या परमेश्वर लूत को वहाँ से भगाए बिना नहीं बचा सकते थे? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं करते थे, आग को ऐसा नहीं कह सकते थे, गंधक को ऐसा नहीं कह सकते थे कि देखो मेरा दास लूत उसके घर के ऊपर नहीं जाना है? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि पूरा सदोम और अमोरा नाश हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लूत का घराना बचाया जाए, उसका घर, उसका खेत, उसकी जमीन, उसके पशु सारे बच जाते? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते थे? परमेश्वर ने क्यों लूत को भगा दिया, इसके पीछे भी क्या राज है? हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकते थे कि लूत के घर के ऊपर आग नहीं आ सकती थी। हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकते थे कि नूह के घर के चारों ओर पानी की दीवार हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, अब प्रभु उसने 12 चेले ठहराए थे, और तब मालूम है चेलों को भी प्रभु यीशु ने क्या कहा था। बाइबल से वचन पढ़ते हैं जो लिखा है मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसका 23वां वचन, और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा चेले लोगों को कि जब लोग आपको सताए, मारे, मार डाले, अब भाग जाए। क्या उसी जगह पर परमेश्वर को नहीं बचा सकते? क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते कि विरोधियों को दूर कर दे? परमेश्वर हमारे साथ, हमारे विरोधी कौन? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो तो दाऊद के जरिए गोलियात को मारते थे, अरे आराम की सेना को ऐसे ही रात में आवाज़ देकर भगा सकते, वो ऐसे परमेश्वर।
और सिर्फ मूसा हाथ उठाए और पूरी इज़राइल जीत सकती है, ऐसे हमारे परमेश्वर है। तो फिर परमेश्वर भागने को क्यों कहते हैं? क्या चेले नहीं भागेंगे तो परमेश्वर उनको बचा नहीं सकते? परमेश्वर बचा सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको भागना क्यों कहा? पता है आज विश्वासी लोग कैसा विश्वास करते हैं, और हम जहाँ होंगे वहाँ परमेश्वर हमको बचाएंगे। अरे परमेश्वर हमारा रक्षक है, अरे परमेश्वर हमारा योद्धा है, वो हमको बचाएंगे। पूरा विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे बचाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ हो वहाँ ही परमेश्वर आपको बचाए? मालूम है प्रभु ने क्या कहा था आखिरी दिनों के बारे में? एक वचन पढ़ते हैं जो मत्ती 24:15-20। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पड़े व समझे, मतलब एंटीक्राइस्ट को जब खड़ा हो तो वो देखो उसकी बात करें, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े। देखो यहाँ पर भी भागने की बात थी कि जब एंटीक्राइस्ट को खड़ा होते हो देखो ना, बोले भाग जाना पहाड़ों की ओर, भाग जाना बोले। तो क्या प्रभु उसी जगह पर हमको नहीं बचा सकते? प्रभु बार बार भागने की क्यों बात कर रहे, क्यों भगाने की बात कर रहे? परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को कहा। पता है परमेश्वर ने जहाज बनाने को क्यों कहा? जो इंसान बचना चाहता होगा वो मेहनत करेगा, बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर ने लूत को भगाया, पता है क्यों? वो कहना चाहते थे कि बचना है तो भागने की मेहनत तो करनी पड़ेगी, बचना है तो अपना घर सोना चांदी संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। संपत्ति छोड़े बिना बच नहीं सकते आप। आज लोग सोना चांदी पैसा घर उसकी लालच करते हैं और उसके साथ स्वर्ग जाना चाहते हैं। आज लोग बिना मेहनत स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। जो इंसान जहाज बनाने की मेहनत किए बिना बचना चाहता है उसको मैं आज कहता हूँ, नौकरी भी मत करो, धंधा भी ना करो। क्यों? परमेश्वर ऐसे ही खाना नहीं दे सकते। अरे छोड़ दो जॉब, छोड़ दो कारोबार, छोड़ दो पैसों के लिए भागना। और बाइबल में लिखा है एक वचन हम पढ़ते हैं जो है सफन्या भविष्यवक्ता का पुस्तक, और उसका पहला ही अध्याय और उसका 18 वचन, यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारे पृथ्वी भस्म हो जाएगी, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। मतलब आपकी सोना चांदी, आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपको बचा नहीं सकती, इसलिए उसकी माया छोड़ो। गेजी भागा सोना लेने के लिए, चांदी लेने के लिए, और मिल भी गया उसको, लेकिन एलिशा ने वो सारा कुछ लेने के लिए मना किया था। और मालूम है गेजी लेकर आया तो क्या हुआ? उसको कोड मिला। क्या ये कोड उसके सोने चांदी से दूर हो सका? जब नामन का दूर नहीं हुआ था तो इसका क्या होने वाला था? अगर आप भी सोना चांदी पैसों की घर की या संपत्ति की माया रखोगे, लालच रखोगे, तो उस गेजी की तरह आप भी अशुद्ध हो जाओगे, और आप अशुद्ध हो जाओगे तो अशुद्ध लोग तो बाहर है और आप भी बाहर हो जाओगे। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है जो है यूहन्ना और उसका 7वां अध्याय और उसका 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जो कोई ऐसा विश्वास करता है जैसा बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ऐसा अगर जो कोई विश्वास करेगा तो ही उसके शरीर से जीवन जल की नदी जो है वो बहेगी। बाइबल में जैसा लिखा है वैसा विश्वास करो। आप अपने मन से विश्वास करोगे कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं पर बचाया जाऊँगा? तो नहीं।
उन अशुद्ध लोगों में से परमेश्वर ने नूह को बाहर निकाला और जहाज में जहाँ उनके लोग थे वहाँ पर उनको शिफ्ट किया। आप भी पवित्र लोगों में शिफ्ट हुए बिना आप नहीं बचाए जा सकते। लूत की तरह उस जगह को छोड़े बिना आप भी नहीं बचाए जाओगे। आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको जहाज बनाने की मेहनत करनी ही पड़ेगी। प्रभु ने बोला कि आपको भागना पड़ेगा, लोग मारेंगे सताएंगे तो आपको भागना पड़ेगा, नहीं भागोगे तो नहीं बचोगे। हाँ, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आप जहाँ पर हो वहाँ बचा सकते हैं, लेकिन नहीं बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विश्वास आपका है, लेकिन विश्वास कैसा करना है? जैसे बाइबल में लिखा है वैसा विश्वास करना है। वैसा विश्वास करोगे तो ही बचाए जाओगे, वरना आप नाश हो जाओगे। और इसलिए मैं कहता हूँ, आपने जो भी संपत्ति जोड़ी है उसको छोड़ने की तैयारी रखो और अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बनाने की मेहनत शुरू कर दो। उसके बिना आप नहीं बच सकते। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।